आज मैं आपसे खेसारी साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये साग बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलिए बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो खेसारी का साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1/2 किलो खेसारी का साग, और इसे अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। पहले इनमें जो खरपतवार होते हैं वो चुनकर निकाल कर पानी से इसे धो लिए हैं और छान कर ले लिए हैं। इसे देखिए इस तरह का होता है खेसारी का साग, जगह अनुसार से और भी नाम हो सकता है इसका। ये दिसंबर से लेकर करीब मार्च तक मिलता है बाजार में, तो आप इसे लाकर अच्छी तरह से साफ करके पानी से धोकर, और इसका डंठल इस तरह का बहुत बड़ा और सख्त हो तो इसे तोड़ कर निकाल कर बाहर कर दे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को मोटे मोटे इस तरह से काट लिए हैं देखिए, और 2 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च। आप मिर्च अपने अनुसार से भी ले सकते हैं, लेकिन ये साग में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और हरा लहसुन को इस तरह से मोटा मोटा काट लिए हैं देखिए, इस तरह का लहसुन का दोनों पार्ट यूज करेंगे, व्हाइट और ग्रीन। जीरा 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लेंगे, और सरसों का तेल 1 बड़ी चम्मच। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जो ये साग है ये ट्रेडिशनली बहुत ही बारीक काट कर और हांडी में बनाया जाता है, बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगता है इसमें। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ बहुत ही आसानी से और कम मेहनत में, कम समय में ये कैसे बनेगा, और साग का टेस्ट और टेक्सचर वही होगा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो गैस ऑन करके गैस पर एक कुकर रख लेंगे और इसमें ये साग डालेंगे, और आप चाहे तो इस साग को मोटे मोटे टुकड़े में काट कर कुकर में डाल सकते हैं, और ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए मैं ऐसे ही अभी डाल रही हूँ, और इसमें डालेंगे नमक सारे डाल लेंगे, और 1/2 कप पानी डालेंगे इसमें। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च सारे डाल लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने देंगे कुकर में, फिर गैस का फ्लेम लो करके 7-8 मिनट साग को पकाएंगे लो फ्लेम पर ही। तो पहले सीटी लगने देते हैं। तो कुकर में सीटी लग चुका है, गैस को सिम कर लेते हैं, 7-8 मिनट साग को पकने देते हैं इसी तरह से। तो अब 7 मिनट हो चुके हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो अब कुकर का वाष्प निकल गया है, ढक्कन खोल लेते हैं और साग को ठंडा कर लेंगे। पहले देखिए साग पक चुका है, अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाए तो पीसेंगे हम। तो अब ठंडा हो चुका है साग, एक मिक्सी जार में निकाल कर पीस लेते हैं पहले इसे, सारे निकाल लेंगे, और ये पानी भी डाल लेंगे इसमें तो आसानी होगा हमें पीसने में। तो पीस लेते हैं इसे, और एक बार इस तरह से चला लेंगे, फिर ढक्कन खोलकर 1-2 बार चला देंगे। तो लीजिए साग पीसकर तैयार हो चुका। तो अब गैस पर एक पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं। अब इसमें ये सरसों का तेल लिए हैं, ये डाल लेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1 लाल मिर्च पहले डाल लेते हैं। अब इसमें डालते हैं लहसुन, और लहसुन को इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे थोड़ी देर। फिर इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक पकाएंगे लहसुन को। तो अब करीब ये लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें अब डालते हैं जीरा। और जीरा को भी इस तरह से चला देते हैं। इसमें डालते हैं हरा लहसुन, थोड़ा सा बचा कर रखे थे,
इस तरह से डालने से टेस्ट और अच्छा आएगा। इसी वक्त अजवाइन एक चौथाई छोटी चम्मच डालें अथवा बाद में अजवाइन और एक लाल मिर्च का तड़का लगाएं। तो अब इसमें डालते हैं ये साग और साग को डालकर इस तरह से चलाएंगे और चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे इसे, या सूख जाए तब तक पकाएंगे। आप चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन मैं आज आपको ट्रेडिशनली सूखा साग खेसारी को जो बनता है वैसा ही टेक्सचर बताने वाली हूँ। तो अब एक करीब बन चुका है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। चाहे तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार तड़का ऊपर से लगा देने से और टेस्टी लगेगा। तो मैं इसमें लाल मिर्च और अजवाइन का तड़का लगाने वाली हूँ। देखिए इस साग का टेक्सचर इसी तरह का होता है। तो अब रेडी हो चुका है, इसे ढक देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं सर्व करने के लिए। ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी खेसारी का साग तैयार है। आप इसे चावल के साथ, कोई रोटी के साथ या अपने मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये साग, आप ज़रूर बनाकर खाइए। और मैं इस तरह से आज डिनर में सर्व कर रही हूँ रोटी के साथ। देखिए इस साग को आप बनाकर 3-4 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। तो आप इस तरह से खेसारी का साग बनाकर जरूर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।